दो शेयर्स हमने निकाले हैं प्रशांत जी, पहला है सिमंस और दूसरा है गेल। एक बार जरा चेक कर लीजिए इन दोनों शेयर्स में कितना दम दिखता है आपको, आज इनमें ताजा खरीदारी हो रही है। जी एक हैरत की बात है कि जो पहला मेरा आज का ट्रेडिंग कॉल है वो भी सीमेंस में ही था ऑप्शंस के जरिए, तो इस पे थोड़ा सा बात करूंगा मैं। एक बहुत जिसे बॉक्स कंसोलिडेशन कहते हैं, बिल्कुल टिपिकल उस पैटर्न में ये चल रहा था और कल हमने उस बॉक्स के लो को एक बार रिटेस्ट और ब्रेक की तरीके से किया है, जहां पे 200 दिनों की एवरेज भी आती है और उसके ऊपर आज तुरंत एक बहुत अच्छी बाइंग आई है विथ वॉल्यूम आई है। यानी अगर हम अभी सिर्फ एक डेली वॉल्यूम पे नजर डालें जहाँ की सिर्फ 3 घंटों का कामकाज हुआ है, तो जो डेली वॉल्यूम है करीबन पिछले 20-25 दिनों के डेली वॉल्यूम के एवरेज से 3 घंटों में ही ज्यादा वॉल्यूम आई है, तो बायर्स पावरफुल है, तो इसमें डेफिनेटली मेरी बाय की राय होगी। जो लोग कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, करीबन अभी 2325 चल रहा है, आप 2285 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो और मुझे लग रहा है कि ये इस मूव में आपको करीबन 2375 से लेके फर्स्ट टारगेट वहां से तुरंत मोमेंटम आके 2450 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड करें, तो मेरी राय होगी कि जो सीमेंस का मई महीने का 2340 का कॉल है, करीबन 70-75 की रेंज में ये चल रहा है, इसमें हम बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 45 के नीचे। मुझे लग रहा है ये जो कॉल है यहाँ से डबल यानी 150-170 तक जा सकता है, तो इसको या कैश में या ऑप्शंस के जरिए दोनों तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 2340 वाली कॉल है, आप ये कह रहे हैं कि इसको प्लस करें या आपको 170 रुपए तक का टारगेट देगी। प्रशांत जी अभी रेट क्या आ रहा है, सामने सामने का रेट बताइए। तो करीबन ये 74-75 के रेंज में चल रही है, 74 के रेंज में ये चल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 75 पे ले लेते हैं और हमको 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 170 रुपए का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, यहाँ पे इस शेयर को देखा जा सकता है। सीमेंस को आज खरीदारी भी हुई है और अगर आप सीधा फ्यूचर्स भारी भरकम फ्यूचर से बचना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं कम पैसे में भी प्रॉफिट कमाऊं, तो फिर ऑप्शंस होती हैं, उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये मई स्ट्राइक की होती है, इसमें कोई वीकली वीकली का चक्कर नहीं होता, सीधा एक महीने की ही कॉल मिलेगी आपको, आप 24 मई तक इसको रख पाएंगे। ठीक है, तो आप सीमेंस का वैसे टारगेट देख लीजिएगा, 2375 है और 2285 आपका स्टॉप लॉस है। कन्वर्ट करना सौदे को ऑप्शंस में कीजिए, 2340 की कॉल को प्लस करके आपका काम बन सकता है। ये 75 रुपए में मिल जाएगी अभी और 170 रुपए का टारगेट है, 45 का स्टॉप लॉस है। सर गेल छोड़ दे, गेल में कुछ नहीं करें? थोड़ा सा मेरे हिसाब से गेल में एक गैप जो मुझे दिख रही है करीबन 165 तक, तो एक बार ये थोड़ा मतलब 2-2.5 पॉइंट चल जाए तो 165 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 160 का, फर्स्ट टारगेट रखेंगे 175 से लेके 180 का, बट 165 जब तक नहीं क्रॉस होता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड है, तो एक मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, एक ही शेयर पे फोकस करते हैं, वो है हमारा सीमेंस। सीमेंस के अंदर ऑप्शंस का ट्रेड, फ्यूचर्स का ट्रेड, कैश का ट्रेड, जैसे आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको लेना तेजी का ट्रेड है। एक बार डाटा आपकी स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। सर शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर है, एक है कैनरा बैंक और दूसरा है पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल जिस रेट पे चल रहा है ना, यहाँ से मेक ब्रेक हम टिपिकली कहते हैं, आप इन दोनों पे अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए। जी दोनों ही स्टॉक अगर मैं नाम हटा दूं तो पैटर्न बिल्कुल सेम लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इन दोनों की बेस बहुत अच्छी बन चुकी है, तो जिनको बैंकिंग सेक्टर में काम करना है दोनों शेयर पे बात करूंगा, तो जिनको कैनरा बैंक में बाय करना है तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 222 का, 222, और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो यानी करीबन 6 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी। यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 240 से लेके 245। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि ऑप्शंस में काम ना करें, इसमें मोमेंटम नहीं है सिर्फ बेस बना हुआ है, तो इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली कैश या फ्यूचर्स में काम करना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक है यानी पीईएल, उसमें भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैनरा बैंक से ये वीक है, बट ये भी अटेम्प्ट कर रहा है बेस बनाने को, तो इसके एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 1980 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको 2050-40 तक ये मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाई होगा, और यहाँ से अगर ये पिकअप हो जाए तो ये स्ट्रेट 2250 तक के लेवल दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड दोनों में जस्टिफाइड है, बट अगर मैं दोनों को चार्ट टू चार्ट कंपेयर करूं, मुझे लग रहा है कैनरा बैंक का बेस जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप सिलेक्टिव शेयर्स देख पा रहे हैं, उसी सिलेक्टिव शेयर्स में दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आ गई है।
पिरामल एंटरप्राइजेस पे ध्यान रखना होगा, 2050 के ऊपर ये ट्रेड करना है जो कि अभी चल ही रहा है भाव। आपको कोई ऑप्शन नहीं लेनी है क्योंकि अभी बेस बना हुआ है। दो हिस्से के शेयर्स होते हैं, पहला जिनका बेस बनता है, दूसरा जिसमें ग्रोथ होती है। जो बहुत तेजी से चलते हैं, सडन स्पाइक्स देने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके अंदर आप ऑप्शंस में आइए क्योंकि आपका अच्छा पैसा बन जाएगा, नहीं तो टाइम वैल्यू इनके ऑप्शंस को डिके कर देगी, शेयर यहीं खड़े रह जाएंगे। तो आप सीधा शेयर ही पकड़िएगा, 1980 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए पिरामिल में, और जहां तक जाएगा यानी कि 2200 तक जो जाएगा ये आपका वही टारगेट हो जाएगा। यहां से आके फिर अड़चन है इसमें। कैनरा बैंक भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 240 245 तक का टारगेट, 2022 का स्टॉप लॉस, नो ऑप्शंस। सीधा या तो कैश में लें या तो फ्यूचर्स में लें, लेना चाहते हैं तो लें, नहीं लेना चाहते तो भले आप सेलेक्टिव हो जाइएगा। इसी कार्यक्रम में 4-5 शेयर आपको मिल जाएंगे, एक लीजिए, दो लीजिए, चार लीजिए, अपने कंफर्ट को रख सकते हैं, बट सब स्टॉप लॉस सबका रखना होगा। कैरी ओवर पोजीशंस रखते समय अपने लिमिट्स को जरूर चेक कर लें, मार्जिन्स को जरूर चेक कर लें कि अगर बाय चांस शेयर स्विंग मारता है तो कहीं मेरे पास मार्जिन्स का प्रेशर तो नहीं आएगा।